नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गार्डन किंग में। तो आज का जो ये वीडियो है ये अपना गोल्डन दुरंथा प्लांट के ऊपर है। दोस्तों इस गोल्डन दुरंथा की मैंने 20 दिन पहले कटिंग करी थी और 20 दिन के बाद में देख सकते हो दोस्तों आपके सामने ये रिजल्ट है। इसकी वापस से मतलब की कटिंग आ चुकी है। तो दोस्तों ये इतना फास्ट कैसे ग्रो कर रहा है और मैं क्या क्या इसमें मतलब सीक्रेट ट्रिक अपना रहा हूँ और कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ, कब इसको पानी पिला रहा हूँ और कब इसकी कटिंग कर रहा हूँ, तो यही चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो गोल्डन दुरंथा है इसको लगाए हुए मेरे को तकरीबन 7 या 8 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वो से ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। गोल्डन दुरंथा की दोस्तों बहुत सारी अलग अलग वेराइटी आती है, पर ये जो गोल्डन दुरंथा है जो मैंने लगा रखा है, मेहंदी वाला जो गोल्डन दुरंथा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वैसे ग्रो करता है। क्योंकि दोस्तों इस प्लांट की जो मतलब ग्रोथ है तो वो काफ़ी मतलब कि फास्ट होती है। जितनी ज़्यादा इस प्लांट की दोस्तों आप कटिंग करोगे ये उतना ही ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा। और दोस्तों केवल कटिंग से ही आपको पता है एक प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होती है। जैसे दोस्तों इस प्लांट में जो मैं फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहा हूँ तो वो अभी के जो टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ जो मतलब कि बरसात का मौसम है, तो इसके अंदर मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों गोबर का जो देसी खाद होता है तो उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर बारिश का पानी ज़्यादा भरा रह जाता है, मतलब कि इसके अंदर रह जाता है, तो मतलब फंगस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके प्लांट को और दोस्तों आपके प्लांट की ग्रोथ को रोक सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मतलब देसी जो गोबर का जो खाद है तो उसका इस्तेमाल करना है। वो दोस्तों अगर आपके प्लांटों के अंदर ज़्यादा पानी भरा रह जाएगा और थोड़ा बहुत कम हो जाएगा पानी, तो फिर वो मतलब अपना आप मतलब कि खींच लेता है पानी को, जो वो गोबर का जो खाद होता है, तो फिर आपके प्लांट को मतलब कि ऐसे फंगस वगैरह लगने से मतलब कि बचा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको इन प्लांटों को मतलब कि बरसात के मौसम में वैसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर बरसात नहीं आ रही तो आप क्या करना कि इसकी जो मिट्टी होती है तो उसको मतलब थोड़ा सा खुदाई करके देख सकते हो आपके, अगर उसकी ऊपर जो परत होती है मिट्टी की अगर वो सूखने लग जाए तो उसके बाद में आप इस प्लांट को पानी पिला सकते हो। अदर इसको पानी नहीं भी पिलाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी का जो मौसम चल रहा है बरसात का जो मौसम चल रहा है तो इसमें इस प्लांट को मतलब पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और मतलब कि ग्रोथ लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों कटिंग करनी है। इतनी ज़्यादा दोस्तों आप इस गोल्डन दुरंथा की कटिंग करोगे ये उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। क्योंकि दोस्तों जो पुरानी जो लीफ होती है इसके अंदर जो मतलब उस पर पत्ते नहीं आते हैं, अगर वो कट जाएगी तो फिर उसके बाद में नई लीफ आ जाएगी और उसके मतलब कि बहुत सारे पत्ते भी आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ कि इन प्लांटों की कटिंग करता हूँ, महीने में मैं दोस्तों इसकी 2 बार कटिंग कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा ग्रोथ लेने का यही कारण है कि अगर आपके प्लांट जो लगे हुए हैं इसके पीछे तो अगर वो दिखने लग जाए तो फिर गोल्डन दुरंथा का कोई भी मतलब नहीं है लगाने का। और दोस्तों इसी के लिए ही लगाते हैं कि पीछे जो प्लांट लगाते हैं तो वो नज़र ना आए। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ कि ये जो गोल्डन दुरंथा जो प्लांट होता है तो ये मतलब एक परमानेंट प्लांट होता है और इसकी जो सनलाइट की जो आवश्यकता होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर दिन में इसको 6 से 7 घंटे की अच्छी तरीके से धूप नहीं मिल पाएगी तो ये फिर प्लांट मतलब कि ग्रो नहीं करेगा। अगर दोस्तों ग्रो तो करेगा पर मतलब इसके जो पत्ते होते हैं तो वो पीले पीले कलर के हो जाते हैं और मतलब कि ख़राब होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी जगह पर लगाना है इस गोल्डन दुरंथा को जहाँ पर दिन की अच्छी तरीके से धूप मिल सके, और दोस्तों फिर देख लेना आपके प्लांटों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो दोस्तों इस प्लांट की मैंने कटिंग नहीं करी थी यहाँ पे, और ये ग्रोथ आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसके नई नई टहनियाँ निकल चुकी है और कितना ज़्यादा ये सभी प्लांट वैसे मेरे ग्रो कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस प्लांट की ज़्यादा केयर होती नहीं है, बस आपको खरपतवार टाइम पर हटाते रहना है। मैं दोस्तों इसी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग प्लांट है तो उनकी ज़्यादा कोई केयर नहीं होती है। एक तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आप इसको पानी पिला देना है सभी प्लांटों को, और उसकी टाइम पे कटिंग करते रहना है, और साथ ही साथ उन सभी प्लांटों को सनलाइट की आवश्यकता होती है। जिन प्लांटों की जो आउटडोर प्लांट होते हैं तो उनको अच्छी तरीके से सनलाइट मिल जाएगी दोस्तों, तो वो मतलब कि इजीली और अच्छी तरीके से वैसे ग्रो करते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप टाइम पे फर्टिलाइजर उन सभी प्लांटों में देते रहोगे तो भी आपके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बस दोस्तों आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पर ही ध्यान देते रहना है, फिर देख लेना दोस्तों आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएगी। और दोस्तों मैं केवल यही करता हूँ, इसके अलावा और कोई भी काम इस
प्लांटों पर नहीं करता हूँ। और देख लीजिए दोस्तों कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इस प्लांटों की। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना सा ही। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों कल बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है प्लांट खराब कैसे होते हैं उसी के ऊपर। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना सा ही। मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।